छत्तीसगढ़ में रायपुर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में वहां पर तैनात लगभग 70 सुरक्षा गार्डों की स्थिति बेहद ही दुख दर्द की है। यहां 3 महीनों में 31 दिनों तक पैराग्रीन प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा गार्डों द्वारा सुबह 8:30 से रात्रि 9:30 तक ड्यूटी दी गई। यहां ड्यूटी 12 घंटे करनी है, वहां यह 1 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी पेमेंट हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक अपना वेतन नहीं मिला है। सुरक्षा कर्मियों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा कर्मी भुखमरी जैसे जीवन यापन कर रहे हैं। मैग्नेटो द मॉल के पैराग्रीन सुरक्षा कर्मियों का टेंडर भी हट गया है, सुरक्षा कर्मियों का काम भी छूट गए हैं, उनको काम के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा जांच कर सुरक्षा गार्डों का वेतन दिलाना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों द्वारा अपने पेमेंट को लेकर लेबर कोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री निवास जन दर्शन में गुहार लगाने के बाद भी पेमेंट नहीं मिली, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों में लगातार रोष पनप रहा है। सुरक्षा कर्मियों की माने तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश सरकार के होते हुए भी सुरक्षा गार्डों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता ने पैराग्रीन प्राइवेट लिमिटेड हेड मनोज यादव से बात की, उन्होंने क्या कहा ये आप भी सुन लीजिए। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हितेश मानिकपुरी छत्तीसगढ़ मीडिया से बोल रहा हूँ। हाँ बोले। मैं बोल रहा था सर कि छत्तीसगढ़ के रायपुर मैग्नेटो मॉल का जो सिक्योरिटी गार्ड का काम किए हुए है उसका पेमेंट अब तक नहीं मिला है, जुलाई महीने का कब तक मिलेगा? उम्मीद है कि भाई अगले आपको फरवरी 1st वीक तक मिल जाएगा, क्योंकि हम भी मैग्नेटो मॉल से रुके हुए हैं। आप हमारा 3 महीने का रुका हुआ है मैग्नेटो मॉल, आपका 1 महीने का। हाँ, मॉल से पैसा आएगा, वैसे ही पेमेंट कर दिया जाएगा। मॉल का कितने महीने का बचा है? अभी 13 महीने का, सॉरी 3 महीने का पेमेंट है। 3 महीने का पेमेंट मैग्नेटो मॉल ने नहीं किया है? हाँ, तभी तो आपका नहीं हुआ है। तो कब तक उम्मीद है, मैनेजमेंट ने क्या बताया, कब तक मिल जाएगा सर की बताएं? हम अभी गए थे मीटिंग में तो उन्होंने बोला है कि हम इस मंथ के एंड तक आपकी पेमेंट कर देंगे, वो कर देंगे, 24 घंटे के अंदर पेमेंट हमारे यहाँ से हो जाएगा। जी, तो फरवरी माह में आने की संभावना जताई है उन लोगों ने? हाँ बिल्कुल जी, फरवरी महीने की। अभी अभी हम लास्ट वीक अभी तो 3 दिन पहले ही मीटिंग करके आए वहां से, रायपुर गए थे। Yes. जी जी जी, मॉल में मीटिंग के लिए गया था मैं, इसी आपकी ही पेमेंट के लिए। जी जी, फरवरी महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका? नहीं, हमें मैंने उनको बोला अगर हमें 6 लाख भी जिस दिन मिल जाएगा, जी जी जी, उस दिन आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर बाकी का वो भले ही 2-4-10 दिन लेट आए। जिस दिन मैंने बोला 13 में 6 लाख रुपए भी दे देंगे वो, जी जी, और आपको अगर 6 लाख का जिस दिन आपको खबर लगे उसके 2 दिन के अंदर पेमेंट हम करने के लिए तैयार है। अभी कितने लाख का पेमेंट बचा हुआ है वहाँ? अभी 13 लाख। 13 लाख समथिंग, 13 लाख लगभग बचा हुआ है वहाँ। हाँ, और हमें 6 दे देंगे तो हम पेमेंट कर देंगे आपकी। जी ठीक है, यही उनको बोल के आए। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो सर, मैं हितेश मानिकपुरी रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, प्रेस से। पैराग्रीन सुरक्षा गार्डों का पेमेंट कब तक मिलेगा सर, जुलाई 2019 का? किसका? पैराग्रीन सुरक्षा गार्ड कंपनी का जुलाई 2019 का पेमेंट कब तक मिलेगा? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं हितेश मानिकपुरी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ प्रेस से। आप कहाँ से, मतलब कौन से एजेंसी से हैं? छत्तीसगढ़ मीडिया से मुझे तो बात कर रहे हैं। जी जी, पैराग्रीन का तो रिलीज हुआ है जी, क्या है जुलाई 2019 का पेमेंट नहीं मिला है सुरक्षा गार्डों का? नहीं, गार्डों का पेमेंट तो मिल गया है, कुछ पेमेंट अभी भी रिलीज होगा उनको, होता लेकिन उसका पेमेंट हो चुका है। कब का पेमेंट हुआ है, जुलाई महीने का गार्ड लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है? मुझे मुझे एग्जैक्ट फिगर टेली करने दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ पार्ट के लिए, है ना? जी जी जी, अकाउंट से। ओके, आपने सुना कि पैराग्रीन प्राइवेट लिमिटेड हेड मनोज यादव क्या कह रहे हैं। मनोज यादव ने बताया कि 3 दिन पहले रायपुर जाकर मैग्नेटो मैनेजमेंट से मीटिंग में चर्चा की, फरवरी महीने के पहले सप्ताह वेतन दे दिया जाएगा। वहां मैग्नेटो मॉल में 3 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, लगभग 13 लाख रुपए,
अगर 6 लाख मैग्नेटो मॉल पेमेंट कर देगी तो 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट कर दिया जाएगा। मैग्नेटो मॉल के ऑपरेशन मैनेजर किशन सिंह से बात करने पर उन्होंने यहां से पैराग्रीन सुरक्षा गार्डों का पेमेंट हो गया है देखकर बता रहा हूं बोला। दूसरी बार संपर्क करने पर बात नहीं हो पाई। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के सभी सुरक्षा गार्डों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, जहां काम तो करा लेते हैं कंपनी द्वारा पर सही तरीके से पेमेंट नहीं की जाती, जिसके चलते उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे शासकीय ऑफिस हैं जहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी कलेक्टेड दर के पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।